स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर के फर्स्ट ईयर कोर्स ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा 13वां चैप्टर है कॉमन गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक प्रक्रिया या सर्जरी। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर में निम्नलिखित पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट्स, गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्त्री रोग और प्रसूति प्रक्रिया और शल्य चिकित्सा उपकरण। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कारमान सिरिंज से। कारमान सिरिंज, जिसको मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन भी कहा जाता है, इस सिरिंज का उपयोग मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन के लिए किया जाता है। सिरिंज की क्षमता लगभग 50 मिली होती है। टिप के वाल्व के साथ एक रबर लगा हुआ होता है। जब पिस्टन को विड्रॉन किया जाता है तो यह लॉक हो जाता है, जिससे यह नेगेटिव सक्शन बनाता है। टिप पर रबर के लगाव के लिए प्लास्टिक कैनुला जुड़ी हुई होती है और यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट की जाती है और वाल्व को रिलीज किया जाता है। यूटेराइन कैविटी के नेगेटिव प्रेशर कंटेंट्स के साथ सक किया जाता है। यह तब तक दोहराया जाता है जब तक कि कैविटी खाली न हो। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह कारमान सिरिंज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन का चित्र है। बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो इस कैनुला का उपयोग इनफर्टिलिटी के लिए ट्यूबल पेशेंसी टेस्ट के HSG हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी या लेप्रोस्कोपी में क्रोमो पर्टुर्बेशन के लिए किया जाता है। HSG रेडियोपेपिक आयोडीन यूरोनोग्राफिन में इस्तेमाल किया जाता है। यह नेक्ड आंखों के लिए कलरलेस होता है, लेकिन एक्सरे में अपारदर्शी सफ़ेद के रूप में देखा जाता है। लेप्रोस्कोपी के लिए मिथाइलिन ब्लू डाई को कैनुला के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। इस कैनुला में एक रबर गार्ड होता है, जिसे एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। यह डाई के बैकवर्ड रिसाव को रोकता है। इन परीक्षणों को ट्यूबोप्लास्टी के बाद भी किया जाता है। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह रूबिन कैनुला का चित्र है। अब बात करते हैं लीच विल्किसन कैनुला की। इस कैनुला का उपयोग ट्यूबल पेशेंसी के लिए भी किया जाता है। यह शंक्वाकार टिप के साथ स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इस शंकु को सर्विक्स में स्क्रू कर दिया जाता है, फिर डाई इंजेक्ट की जाती है। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे लीच विल्किसन कैनुला का चित्र दिखाया गया है। बात करते हैं नीडल होल्डर फोर्सेप की। इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सूत्रिंग के समय नीडल को पकड़ने के लिए किया जाता है। टिप की आंतरिक सतह में घुमावदार सुई की फर्म पकड़ के लिए सीरिएशंस और एक छोटा ग्रोव होता है। लीवर प्रभाव के कारण पर्याप्त दबाव देने के लिए बॉक्स के जोड़ को टिप के बहुत करीब रखा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, यहाँ नीडल होल्डर फोर्सेप का चित्र दिखाया गया है। अब बात करते हैं ओम होल्डिंग फोर्सेप की। इस उपकरण का उपयोग इनवेटिबल गर्भाधान के उत्पादों को निकालने में, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और MTP ऑपरेशन में किया जाता है। इस उपकरण की नोक गोल कप की तरह होती है, जो परफोरेशन को पकड़ने में इस उपकरण में कोई सहायता नहीं करता है। यह परफोरेशन की वाल से बचने के लिए होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, यहाँ ओवम होल्डिंग फोर्सेप को की चित्र को दिखाया गया है। बात करते हैं पुरंडेर्स डायलेटर की। इंडिकेशन की बात करें तो इस सर्वाइकल डायलेटर में
एक गार्ड और एक लंबा टेपिंग एंड होता है। गार्ड उस लंबाई से परे इंसर्शन को रोकने और परफोरेशन से बचाने में मदद करता है। यहाँ चित्र में इसे टिप से गार्ड तक मिमी में व्यास को रिप्रेजेंट करते हुए 2, 3, 4, 5 तक गिना गया है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर पुरंडेर्स डायलेटर का चित्र दिखाया गया है। अब बात करते हैं पिनार्ड्स फीटल स्टेथोस्कोप की। इसका उपयोग भ्रूण के फीटल के हार्ट के ऑस्किलेशन के लिए किया जाता है। टैपिंग रिम कान और दूसरी तरफ मदर्स के पेट में लगाया जाता है। फीटल हार्ट के ऑस्किलेशन के लिए उपलब्ध अन्य उपकरणों के साथ यह अब बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पिनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप का चित्र है। अब बात करते हैं सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर की। इस उपकरण का उपयोग सिम्स स्पेकुलम के साथ किया जाता है। यह दोनों छोरों पर ब्लंट लूप्स के साथ एक लंबा उपकरण होता है जो सर्विक्स और वेजाइना के आसान विजुअलाइजेशन के लिए एंगल बनाता है, विशेष रूप से सिस्टोस्केल के मामले में उपयोगी होता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का चित्र दिखाया गया है। बात करते हैं सिम्स स्पेकुलम के इंडिकेशन की। ओपीडी में वेजाइना और सर्विक्स के निरीक्षण के लिए सिम्स स्पेकुलम का उपयोग किया जाता है। यह पोस्टीरियर वेजाइना की दीवार को पीछे हटाता है। पूर्ण विजुअलाइजेशन के लिए एंटीरियर वेजाइनल वॉल को पीछे हटाया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए गायनी ओपीडी में उपयोग करते हैं, जैसे पैप स्मेयर लेना, कॉपर डी डालना, कोल्पोस्कोपी करना, स्वेब लेना और HSG करना। यूज इन गायनी ऑपरेशन। गायनी ऑपरेशन में इसका क्या यूज होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उपयोग सर्वप्रथम DNC, सर्विक्स बायोप्सी, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, फोथरगिल ऑपरेशन, रिपेयर ऑफ वेसिको वेजाइनल फिस्टूला एंड द हिस्टेरेक्टोमी स्टेक्टोस्कोपी में किया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक में इसका यूज इंस्पेक्शन के लिए, प्रारंभिक गर्भावस्था में ब्लूस मलिनीकरण, थ्रीटेंड अबॉर्शन के लिए स्थानीय कारण, APH में स्थानीय कारण, सक्शन कर्टेज द्वारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर MTP, इथाइकेरिडीन लैक्टेट, OS टाइटनिंग और सर्वाइकल क्रिकलेज द्वारा सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP में उपयोग करते हैं। लेबर की शुरुआत में या 38 वोल्ट पर OS टाइटनिंग स्टिच को हटाया जाता है। मेम्ब्रेन के संदिग्ध रप्चर के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। फोर्सेप डिलीवरी के बाद सर्वाइकल ट्रियर्स को ट्रेस किया जाता है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, यहाँ सिम्स स्पेकुलम का चित्र दिखाया गया है। इसमें ब्लेड और हैंडल के पार्ट्स को शो किया गया है। अब बात करते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की इंडिकेशन। इस उपकरण का उपयोग ऑपरेशन से पहले एरिया को क्लीन करने के लिए, गोज पीस या स्पंज को पकड़ने के लिए किया जाता है। जब होल्डर पर स्पंज के रूप में उपयोग किया जाता है, तब यह टिश्यू डिसेक्शन के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह ऑब्स्टेट्रिक में OS टाइटनिंग के ऑपरेशन में सर्विक्स के क्रेस्पिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP, फोलेस कैथेटर के सम्मिलन से पहले सर्विक्स को पकड़ना, फोरसेप डिलीवरी के बाद सर्विक्स की खोज में 3 स्पंज होल्डिंग फोरसेप का उपयोग किया जाता है। LSCS में यह यूटेराइन इंसिजन के रक्त स्त्राव के किनारों को क्लैंपिंग के लिए ग्रीन आर्मिटेज के बजाय इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह स्पंज होल्डिंग फोरसेप का चित्र है। सक्शन कल्ट। इस उपकरण का उपयोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर MTP के लिए किया जाता है, जो वेसिकुलर मोल का सक्शन होता है, जो बाहरी व्यास के अनुसार गिना जाता है। चयनित कैनुला का आकार गर्भावस्था के हफ्तों के नंबर के बराबर होता है।
टिप ब्लंट होता है, चित्र को रोकने के लिए टिप के नीचे सक्शन के लिए दो शार्प ओपनिंग होती है जो कैविटी को कल्टेज में मदद करते हैं। आमतौर पर 60 mm एचजी प्रेशर का सक्शन फोर्स लगाया जाता है। ग्राफ्टिंग सेंसेशन और कैनुला प्रोसीजर के ये पूरे होने का संकेत देता है। तो दोस्तों आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ सक्शन कल्टेज का चित्र दिखाया गया है। अब बात करते हैं सिरोडकर क्रिकलेस नीडल की। यह विशेष नीडल होती है जिसे सर्विक्स के चारों ओर स्टिच लगाने के लिए उपयोग में ली जाती है। नीडल को सर्विक्स की तरफ वेजाइना ओपनिंग के माध्यम से डाला जाता है। सूचर मटेरियल मेसलिन टेप को टिप पर मौजूद आंखों पर थ्रेड किया जाता है और विड्रॉन कर लिया जाता है। दूसरी दिशा में वक्रता के साथ एक अन्य नीडल का उपयोग किया जाता है और नोट को पोस्ट रखा जाता है तथा वेजाइना को बंद कर दिया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह सिरोडकर क्रिकलेज नीडल का चित्र है। ट्रोकर एंड कैनुला, इसके इंडिकेशन की बात करें तो ट्रोकर को कैनुला में डाल दिया जाता है और फिर लेप्रोस्कोपी के लिए एब्डोमेन कैविटी में डाला जाता है। इसे पोर्ट, टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों के प्रवेश का पोर्ट भी कहा जाता है। इसे भारी व्यास के अनुसार गिना जाता है। ऑपरेटिव टेलीस्कोप के लिए 10 mm का उपयोग किया जाता है। ट्यूबल लाइगेशन के लिए बैंड एप्लीकेटर के लिए 7 mm का उपयोग किया जाता है। 5 mm का उपयोग अन्य हैंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ग्रोस्पर आदि के लिए किया जाता है। छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए बड़े आकार के पोर्ट का उपयोग करने के लिए रेड्यूसर स्लीव भी उपलब्ध होता है। तो दोस्तों आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रोकर और कैनुला के दोनों अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और चैनल को लाइक करना भी नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।